तो क्या जिए अपने लिए, जिए तो क्या जिए तुझी ए दिल जमाने के लिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए तुझी ए दिल जमाने के लिए। कोई है क्या हुआ भैया जी, क्या हुआ? यहाँ एक सर दुर्घटना हो गई, जल्दी जाओ डॉक्टर साहब बुला कर लाओ। डॉक्टर साहब जल्दी चलिए, वहाँ एक सड़क दुर्घटना हो गई। बहुत ज्यादा खून बह जाने के कारण ये बेहोश हो गए हैं। भाई देवी, एक्सीडेंट हुआ कैसे? मोटरसाइकिल चला रहे थे, फोनो बतिया रहे थे, ध्यान हटाओ लोही को बंटा धार। न जाने कौन सी बीमारी हो गई आजकल के बच्चों में, मोटरसाइकिल चलाते रहते हैं, फोनो बतियाते रहते हैं और गाना सुनते रहते हैं। लो हो गया एक्सीडेंट, अब भुख तो। अरे कहाँ है हमारा बिटवा, कहाँ होगा उसे? कुछ नहीं अम्मा जी, मोटरसाइकिल चला रहे थे, फोनो बतिया रहे थे, ध्यान अच्छा लोही को बनता था। लेकिन हमारा बिटवा है कहाँ, दिखाई नहीं दे रहा है। वो अंदर आईसीयू में है, उसे खून की सख्त जरूरत है। अगर एक घंटे के भीतर खून नहीं मिला तो अनर्थ हो सकता है। अरे हमारा इकलौता बेटा है, डॉक्टर साहब कितनी बार बोला है मोटरसाइकिल चलाते समय मोबाइल का प्रयोग मत किया करो, लेकिन आजकल के बच्चे सुनते कहाँ हैं? हे भगवान रक्षा करना, हमारे इकलौते बेटे की जान बचा लो भगवान। बाबा रोने धोने से काम नहीं होगा, कोई भी ब्लड बैंक जाइए और जल्द से जल्द रक्त लेकर आइए। हे बाबू तू अपना रक्तदान कर, मेरे इकलौते बेटे की जान बचा ले, भगवान तुम्हारा भला करेंगे। बाबा मैंने आज तक तो रक्तदान किया नहीं, आज कैसे कर दूं रक्तदान? हे बाबू तू अपना रक्तदान कर, मेरे इकलौते बेटे की जान बचा ले। बाबा अगर मैं अपना खून दे दूंगा तो मेरे शरीर में खून की कमी पड़ जाएगी, फिर मैं बीमार पड़ जाऊंगा, फिर मुझे बचाएगा कौन? हे बहनी तू अपना खून देकर हमारे इकलौते बेटे की जान बचा लेने, तो बुढ़ापे में कुछ इधर उधर हो गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? ए बहनी सुनो, हमारी नानी कह रही थी कि खून देने वाले के शरीर में खून की कमी हो जावत है, इसीलिए बेटा तू सब कुछ देना पर अपना खून कभी किसी को मत देना, वरना तू बीमार पड़ जाएगी। क्या बकवास करते हैं आप लोग, रक्तदान करने से ना ही कोई बीमार होता है और ना ही कमजोर, बल्कि रक्तदान करने के कुछ ही दिनों के भीतर हमारे शरीर के अंदर उतना रक्त बन जाता है जितना हम रक्तदान किए होते हैं। रक्तदान एक महादान है जो किसी आदमी की जिंदगी बचा सकता है, रक्तदान वो महादान है जो किसी के घर की खुशहाली वापस ला सकता है। तो जाइए आप लोग अपना अपना रक्तदान करिए और उसे बचाइए जो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है, जाइए देर न करिए। आपने हमारी आंखें खोल दी डॉक्टर साहब, हम अभी जाते हैं अपना अपना रक्तदान कर ब्लड बैंक की रक्त लेकर आते हैं। देखा आप सभी ने, आपके द्वारा किए गए रक्तदान से किसी की जिंदगी बचाई जा सकती है। आपका रक्तदान आपको कमजोर नहीं करता है बल्कि समाज में आपके उत्तरदायित्व को बढ़ाता है। आपको मालूम होना चाहिए कि रक्त ना तो बेचा जाता है और ना ही खरीदा जाता है, हम रक्तदान करके ही ब्लड बैंक से रक्त प्राप्त कर सकते हैं, जो किसी प्रिय की जिंदगी बचाने के लिए बहुत ही जरूरी है। हमें कम से कम साल में एक बार जरूर रक्तदान करना चाहिए। रक्तदान एक बहुत बड़ा पुण्य का कार्य है। रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, रक्तदान महादान, महादान रक्तदान महादान, रक्तदान महादान रक्तदान। जैसा कि आज आप सभी जानते हैं कि वर्ल्ड ब्लड डोनेशन दिवस है, तो इसके तौर पर उसके उपलक्ष्य में आज हम लोगों ने ब्लड डोनेशन का एक छोटा सा नुक्कड़ नाटक अरेंज किया है। तो जैसा कि आप लोगों ने अभी देखा कि ब्लड डोनेशन कितना बड़ा रोल प्ले करता है हमारे लाइफ में। जैसे कि कोई भी व्यक्ति ब्लड डोनेशन कर सकता है, लेकिन उम्र उसकी 18 साल से ऊपर होनी चाहिए और वो उसकी जो ब्लड डोनेट करने के बाद मात्र छः दिनों के भीतर ही हमारे शरीर के अंदर उतना रक्त बन जाता है जितना हम रक्तदान किए होते हैं। रक्तदान पहली बात की एक बहुत बड़ा महादान है जो किसी आदमी की ज़िंदगी बचा सकता है। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसको अगर ब्लड डोनेशन के अगर उसको सही टाइम पे ब्लड मिल गया तो उसकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है, जो किसी जिंदगी उसके परिवार से जुड़ी है तो उसकी खुशहाली, उसके घर की खुशहाली भी वो बचा सकती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज ब्लड डोनेशन दिवस है, तो अपना अपना रक्तदान करिए और जागरूक बनिए। धन्यवाद।